प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को इंदौर पहुंचेंगे। वो यहां दाऊदी बोरा समाज के एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। दरअसल मोदी के इस दौरे के कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। क्या है वजह, देखिए ये खास रिपोर्ट। चुनावी चौसर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 सितंबर को इंदौर पहुंचेंगे, जहां वो दाऊदी बोहरा समाज के कार्यक्रम में शामिल होंगे। बोहरा समाज के इतिहास में ये पहला मौका होगा जब किसी कार्यक्रम में कोई प्रधानमंत्री शामिल होंगे और उनके संबोधन के दौरान कथा रोकी जाएगी। खास बात यह है कि इस कार्यक्रम में कई देशों से बोहरा समाज के लोग पहुंचे हैं। बताया जाता है कि कैसे कर्बला में इमाम हुसैन शहीद हुए, उनका काफिला, उनके ऊपर क्या जुल्म सितम हुआ, उन पे क्या क्या हुआ, सब बताया जाता है। अच्छा, ये कहाँ कहाँ से लोग आए हैं? सब वर्ल्ड, अमेरिका, लंदन, यूरोप, चीन, जापान, पूरे वर्ल्ड से, पूरे इंडिया से, हर जगह, और पूरे जगह रैले भी होता है। पीएम की सुरक्षा के लिए खास इंतजाम किए गए हैं, खास तरह के विदेशी सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं जो सिर से लेकर पैर के नाखून तक नजर रखेगा। इसके अलावा सभा में 3 स्तर की सुरक्षा व्यवस्था होगी और एक खास घेरा एसपीजी का होगा। प्रधानमंत्री जी की जो आगामी यात्रा है उसको लेकर के पुलिस ने काफी पर्याप्त व्यवस्थाएं की हैं और उसके लिए लगातार पिछले 4 दिनों से व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई हैं। उसमें तकनीक का भी जो बेहतर इस्तेमाल हो सकता है उसे किया गया है और इस पूरी सुरक्षा व्यवस्था में इस बात का जरूर ध्यान रखा गया है कि जो 3,500 के आसपास जो जवान हैं, जो तकनीक है, उनका अधिकतम इस्तेमाल हो और साथ साथ आम व्यक्ति को किसी भी तरह की असुविधा न हो। जानकारी के मुताबिक पीएम इंदौर की धरती पर करीब 1.5 घंटे तक रहेंगे। 11 बजे वो एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और करीब 11:30 बजे वो कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे और फिर दोपहर 12 बजे वो एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे और 12:35 पर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। वैसे मोदी के इस दौरे को सियासत से दूर रखा गया है, लेकिन मौसम चुनावी हो तो किसी बात से इनकार नहीं किया जा सकता। वैसे भी सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली बीजेपी इस ओर एक पुरजोर कोशिश जरूर कर रही है। जर्नलिस्ट नीरज जावलिया के साथ आदित्य सिंह, न्यूज़ स्टेट, इंदौर।